नमस्कार जनसारथी न्यूज में आप देख रहे हैं सियासी हलचल। हम बात करेंगे कांग्रेस के सांसद और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोमवार को गुना जिले के बीनागंज में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक ली। वो ग्वालियर चंबल संभाग में आ रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुना पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर नेता की क्षमता पोलिंग बूथ पर नजर आएगी। दिग्विजय सिंह ने सख्त लहजे में बैठक में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कई हिदायतें दी। लोकसभा चुनाव में कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हर नेता की औकात हमें पोलिंग बूथ पर नजर आएगी। मेरे पास अभी राज्यसभा के सवा दो साल हैं। मैं किसी को भी सांसद निधि नहीं दूंगा जब तक कि पोलिंग बूथ का नतीजा लेकर नहीं आया। मैं आज इस बात पर आपसे यही अनुरोध करता हूं कि 4 तारीख को राहुल गांधी जी के मीटिंग में उनके स्वागत में हमें पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए और आपकी जो भी मांग होगी, जो भी व्यवस्था करनी हो बताइए, मैं हूं उसके लिए, पूरी व्यवस्था आपके लिए करूंगा। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।